नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 6 अक्टूबर 2019, तो आज हम देखेंगे 6 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसिडर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसिडर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो वह किसे प्रदान किया गया है। तो वह किया गया है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, तो सचिन तेंदुलकर इसका सही उत्तर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार आज की वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर कलाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NBCC ने युवा कार्यक्रम और किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है या MOU हस्ताक्षर किया है। तो NBCC ने दोस्तों खेल मंत्रालय के साथ में एक MOU हस्ताक्षर किया है। ये किस राज्य की बात है, इसमें क्या विशेष है वो देखते हैं। तो ये फोटो में आपको NBCC का लोगो दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं दोस्तों मणिपुर राज्य में ऐसा हुआ है, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो NBIREN SINGH ये है मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री। मणिपुर के गवर्नर कौन है, तो दोस्तों पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य हैं, ये मणिपुर के वर्तमान गवर्नर हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NBCC ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन एक MOU साइन किया है। इस समझौते का उद्देश्य है दोस्तों मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के विकास में परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना है, और NBCC ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। तो ये जानकर दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को आप दोस्तों शेयर जरूर करते रहें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन अवार्ड में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे चुना गया है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है वह बेन स्टॉक्स को चुना गया है। तो बेन स्टॉक्स इसका सही उत्तर हो गया। तो बेन स्टॉक्स को क्यों चुना गया है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये फोटो में आपको बेन स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जो बीच में खड़े हैं, बेन स्टॉक्स हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स को दोस्तों प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन अवार्ड्स में प्रोफेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऑलराउंडर स्टॉक्स ने इंग्लैंड के पहले विश्व कप में शानदार भूमिका निभाई है, और वही हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई SS सीरीज में ड्रा कराने में भी उनका बड़ा रोल रहा है। दोस्तों समरसेट के टॉम बेंटन को PCA का यंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि इंग्लैंड की गेंदबाज जो सोफी एलेक्सटोन को है, उन्हें दोस्तों वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है। तो ऊपर फोटो में आपको दोस्तों दोनों दिखाई दे रहे हैं, समरसेट के जो टॉम बेंटन है, ये टॉम बेंटन आपको यहाँ पर पास में खड़े हैं, ये बेन स्टॉक्स खड़े हैं, और ये पास में जो महिला खिलाड़ी हैं उसका जो नाम हमने आपको भी बताया कि सोफी एलेक्सटोन है, वह खड़ी हैं। इनके बारे में बताएं दोस्तों कि ये जो अवार्ड है ये 50वां नेटवेस्ट PCA अवार्ड केमडेन के राउंड हाउस में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम दोस्तों PCA द्वारा इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के संयोजन से आयोजित किया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ग्रीस में दोस्तों भारत के अगले राजदूत के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है अमृत लुगून। तो अमृत लुगून इसका सही उत्तर हो गया। तो अमृत लुगून कौन है उनके बारे में जानते हैं। ये फोटो में दोस्तों आपको अमृत लुगून दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत के दोस्तों विदेश मंत्रालय यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मंत्रालय है
उसने दोस्तों अमृत लगून को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वह दोस्तों 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं। इससे पहले समा जैन थी, जिनका स्थान कौन लेंगे, अमृत लगून लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 लैंडमार्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो किस देश में किया है। तो हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री जो हैं वह मॉरिशस के दौरे पर गए हुए थे, तो मॉरिशस में इसका उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस इसका सही उत्तर हो गया। तो लैंडमार्क का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ ने मिलकर मॉरिशस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 लैंडमार्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो 2 परियोजनाओं में मेट्रो एक्सप्रेस का फेज फर्स्ट और एक नया ENT अस्पताल शामिल हैं। दोस्तों मेट्रो एक्सप्रेस परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने $275 मिलियन और नए अस्पताल प्रोजेक्ट के लिए $14 मिलियन का अनुदान भारत सरकार ने दिया है। दोस्तों जो यह अनुदान है ये एक विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में 5 उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सहायता के लिए दिया गया है, जिसमें मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और एक नया ENT अस्पताल शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश के दौरे पर गए हुए हैं, तो ये मॉरिशस के दौरे पर गए हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने ऑडियो गाइड की सुविधा लॉन्च की है। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने ऑडियो गाइड की जो सुविधा है वह लॉन्च की है। ऑडियो गाइड एक एप्लीकेशन बनाया है, इसको लॉन्च किया है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं इसमें क्या विशेष है। तो ये फोटो में दोस्तों आपको ऑडियो गाइड ऐप दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन पर्व 2019 जो 2 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा के अवसर पर भारत के 12 स्थलों यानी आइकॉनिक साइट सहित के लिए ऑडियो गाइड की सुविधा लॉन्च की है। पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु दिल्ली सरकार और रेसबर्ग टेक्नोलॉजीज ने दिल्ली के गोल गुंबद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों ऑडियो गाइड ऑडिगो भारत सरकार की सत्यापित सामग्री प्रदान करता है, इसमें विजुअल और वॉइस ओवर सपोर्ट भी शामिल हैं। पर्यटक दोस्तों अब ऑडिगोस के जरिए जो अपना बेहतर अनुभव का आनंद लेंगे और भारतीय संस्कृति और विरासत की ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, IRCTC के यात्रियों को दिल्ली से लखनऊ जाने वाली किस ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा दिया जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों एक नई प्राइवेट ट्रेन अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा शुरू की गई है, तो उस ट्रेन का क्या नाम है वो देखते हैं, जिसमें लखनऊ दिल्ली से लखनऊ तथा लखनऊ से दिल्ली ट्रेन जाएगी, जिसके लेट होने पर यात्रियों को उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो उस प्राइवेट ट्रेन का दोस्तों नाम है तेजस एक्सप्रेस। तो ये तेजस एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो गया। तो ये फोटो में आपको देख पा रहे हैं, ये है तेजस एक्सप्रेस है, जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, यानी रेलवे का भी जो वर्तमान सरकार है उसने निजीकरण कर दिया है, तब पहली जो निजी ट्रेन है वह शुरू हो गई है। इसके बारे में जानते हैं। तो IRCTC के यात्रियों को दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों राष्ट्रीय कैरियर में पहली बार होगा। यदि ट्रेन 1 घंटा से ज़्यादा लेट होती है तो ₹100, 2 घंटे से अधिक लेट होती है तो ₹250 का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों इस ऑफर के साथ यात्रियों को ₹25 लाख तक का निःशुल्क बीमा भी दिया जाएगा। इस यात्रा बीमा में यात्रा के दौरान घरेलू चोरी और डकैती के खिलाफ ₹1 लाख का कवरेज भी शामिल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वह है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर HL त्रिवेदी का हाल ही में निधन हो गया है, तो वह क्या थे। तो डॉक्टर HL त्रिवेदी में पत्रकार थे, अभिनेता थे या कुछ ही और थे। तो ये दोस्तों पेशे से डॉक्टर थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। तो HL त्रिवेदी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो प्रसिद्ध किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर HL त्रिवेदी का हाल ही में निधन हो गया है। वह दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के विशेषज्ञ थे
और उन्हें 2015 में समाज में एक नए तो नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में उनके योगदान के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने राज्य सरकार की सहायता से गुजरात के जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर नेटवर्क भी स्थापित किए हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों नीयू के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नीयू दोस्तों एक जगह है, देश है, जिसके लिए भारत का जो अगला उच्चायुक्त होगा उसका नाम है मुक्तेश कुमार परदेशी। तो ये मुक्तेश कुमार इसका सही उत्तर हो गया। तो फोटो में आपको दोस्तों मुक्तेश कुमार परदेशी को आप देख पा रहे हैं जिन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो नीयू जो है उस नीयू की राजधानी कहाँ है। तो ये एलोफी है, ये नीयू की राजधानी है। तो नीयू की मुद्रा नीयू डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर इसको अपने कह सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जो मुक्तेश कुमार परदेशी हैं उनको नीयू के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति किया गया है। वह दोस्तों 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों वह संजीव कोहली का स्थान लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता कौन रहा है। तो 53वीं जो एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें एक भारतीय जो प्रतिभागी हैं उसने रजत पदक जीता है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों उनका नाम है अब्दुल कादिर खान। तो अब्दुल कादिर खान ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये फोटो में दोस्तों आपको अब्दुल कादिर खान दिखाई दे रहे हैं जिन्हें रजत पदक जीता है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी उसके बारे में भी जानते हैं। तो भारतीय सेना के दोस्तों मेजर हैं अब्दुल कादिर खान। उन्होंने इंडोनेशिया के बाथम में 2 अक्टूबर 2019 को प्रतिष्ठित 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीता है। दोस्तों बात करें मेजर की तो मेजर अब्दुल कादिर हैं। ये भारतीय सेना के कार्प्स ऑफ सिग्नल का हिस्सा हैं। खास बात यह कि मेजर कादिर ने पहली बार इस तरह की किसी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जून 2014 में सेना में शामिल हुए मेजर खान रेजिमेंट के भेद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बॉडी बिल्डिंग के उत्साह के साथ जुड़े रहे हैं। तो इन्हें रजत पदक मिला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वीडियो को दोस्तों सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में प्रकाश पोर्टल शुरू किया है। तो ये दोस्तों कोयला मंत्रालय ने किया है। तो कोयला मंत्रालय ने शुरू किया तो इसके बारे में जानते हैं। जो प्रकाश पोर्टल है ये पोर्टल क्या जानकारी देगा तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों विद्युत मंत्री आर के सिंह और कोयला खान और संसदीय मामलों के जो मंत्री प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में प्रकाश इसे बोलते अपन पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये प्रकाश की फुल फॉर्म पूछ ले जाए तो यहाँ पर लिखी हुई है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो की PDF फाइल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में और जानकारी। तो इस पोर्टल पर का जो उद्देश्य है वह सभी हितधारकों के बीच कोयला आपूर्ति के लिए भेद समन्वय लाना है और थर्मल पावर प्लांट में कोयले की प्राप्त उपलब्धता और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों यह पोर्टल पावर प्लांट के लिए पूरे कोयला आपूर्ति श्रृंखला की मैपिंग और निगरानी में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स हो गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य ने पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो किस राज्य ने हाल ही में लगाया दोस्तों। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक राज्य ने जो पान मसाला की जो श्रेणी है उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो उसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वह दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कलाम स्टडी चैनल को नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो
घंटे का समय बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।